प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। बीएसईबी के इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने वाले साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के विद्यार्थियों की सेंटम परीक्षा 11 अक्टूबर से शुरू होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के स्तर से जारी आदेश के आलोक में डीयू रजनीकांत प्रवीण ने संबंधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। उन्होंने बताया कि विपिन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित विशेष कैंप में बोर्ड से उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्र और सामग्री का विद्यालयवार वितरण सिलबंद लिफाफे के माध्यम से आगामी 5 और 6 अक्टूबर को किया जाएगा। इसका उपयोग करके जिला भर के सभी मान्यता प्राप्त प्लस टू स्कूल कॉलेजों में परीक्षा का आयोजन अनिवार्य। डीयू प्रवीण ने बताया कि सेंटअप जांच परीक्षा में बोर्ड परीक्षा के लिए निबंधन कराने वाले सभी सूचीकृत नियमित स्वतंत्र और क्वालिफाइंग कोटि के छात्र छात्राओं के लिए शामिल होना अनिवार्य है। जिला के सभी संबंधित विद्यालयों के प्रधान या उनके द्वारा विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से जिला मुख्यालय के विपिन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित विशेष कैंप के मध्यता से पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 4 बजे तक किया जाएगा। इस कार्य को सुगमता से संपन्न कराने के लिए जिला शिक्षा कार्यालय के कर्मी रामेश्वर पांडे को प्रतिनियुक्त किया गया है। डीओ ने बताया कि उनके मोबाइल नंबर 9473298350 पर संपर्क कर स्थापित कर अनिवार्य रूप से प्रश्न पत्र आदि प्राप्त करना अनिवार्य और अपरिहार्य है। बिहार बोर्ड की 2022 के माध्यमिक व इंटरमीडिएट परीक्षा में खराब रिजल्ट देने वाले 127 स्कूलों में वार्षिक परीक्षा 2023 की तैयारी के लिए स्पेशल क्लास चलेगी। वार्षिक परीक्षा 2022 के परिणाम की समीक्षा के बाद इंटर स्तरीय 29 और माध्यमिक स्तर के 98 स्कूलों की लिस्ट तैयार की गई है। डीओ अजय कुमार सिंह ने संबंधित विद्यालय के प्रिंसिपल को 7 अक्टूबर से 31 नवंबर तक स्पेशल क्लास चलाने का निर्देश दिया है। वार्षिक परीक्षा 2023 के परिणाम में सुधार लाने के लिए डीओ ने सभी स्कूल को स्पेशल क्लास चलाने को कहा है। इस साल जिन स्कूलों में 44.30% तक बच्चे अनुत्तीर्ण रहे उनकी सूची तैयार की गई है। साथ ही खराब प्रदर्शन वाले अन्य स्कूलों को भी स्पेशल क्लास चलाने को कहा है। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।